हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर एट डेसिमल की एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर वन दे रखा हमें, राइट द फॉलोइंग एज अ नंबर इन अ गिवन टेबल। ये जो टेबल बनी हुई है इनके अंदर हमें नंबर को फॉर्म करना है किस तरीके से, देखेंगे। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक होती है, एनसीईआरटी बुक के अंदर ये फिगर बनी हुई है, इन फिगर को आपको इस टेबल के अंदर फिल करना है, ठीक है। तो फिल करने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ दे रखा हमें हंड्रेड्स, ये टेंस, ये वंस और ये टेंथ है, 1/10। और इसको और इजी बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में खुद मेंशन कर दिया है कि टेंथ की कितनी लाइन हमारी 3 है, वंस का कितना बॉक्स है 1 है, और टेंथ के कितने प्लेस है 2 नंबर है, ठीक है। तो इसी को फॉलो करते हुए ये पार्ट में टेंथ के हमें कितने दे रखे हैं, 3 दे रखी हैं, वंस का हमें सिर्फ 1 दे रखा है, और टेंथ के हमें 2 बॉक्स दे रखे हैं, क्लियर। इसी तरीके से इसका बी पार्ट, 100 का देखो पूरा एक बॉक्स दे रखा हमें, कितना दे रखा 100 का 1, तो यहाँ लिख दिया मैंने 100 में 1 भर दिया। फिर टेंस, टेंस की पूरी हमें एक लाइन दे रखी है, तो यहाँ मैंने भर दिया 1। वंस, वंस की लाइन हमें गिवन ही नहीं है इस बार, तो वंस को हमने छोड़ दिया 0 में, ठीक है। और वहीं पर टेंथ के कितने कॉलम बॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4 हैं, तो यहाँ पे हमने क्या भर दिया, 4 भर दिया, क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। बोला राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन अ प्लेस वैल्यू टेबल। एक प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है, उसके अंदर हमें इनको फिल करना है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में मालूम होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ प्लेस वैल्यू के बारे में। जैसे कोई भी नंबर है, हम नॉर्मली जैसे कि इस तरीके के डिजिट दिए होते हैं, ठीक है, जो पॉइंट के बाद में तीसरा डिजिट होता है ये होता है 1000th place, ठीक है, 1000th place। इसकी वैल्यू होती है 1/1000। यहाँ पे जो भी नंबर होगा तो यहाँ लिख देंगे 6/1000, 5 है तो लिख देंगे 5/1000। जो अगला नंबर होता है इससे, ये होता है 100th place, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/100, यानी कि अगर यहाँ पे 3 है तो 3/100, 4 है तो 4/100 होगा। डेसिमल के बाद में पहला जो नंबर होता है ये होता है 10th place वाला नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/10 होती है प्लेस वैल्यू। अगर यहाँ 6 दे रखा तो 6/10 आएगा, 5 होगा तो 5/10 आ जाएगा, क्लियर। फिर इसी के बाद में ये हमारी नॉर्मल जो हम जब काउंटिंग पढ़ते आ रहे थे, पहला नंबर होता था हमारा वंस, जो कि नॉर्मली 1 होता है, 1 से मल्टीपल होता है ये नंबर। जो अगला डिजिट होता है डेसिमल के बाद में, सेकंड जो नंबर होता है ये होता है टेंस, ठीक है, जो कि 10 का मल्टीपल होता है। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो नंबर होता है वो होता है 100th place वैल्यू का, 100, ये मल्टीपल होता है 100 का। अगला डिजिट होता है ये होता है 1000 का, ठीक है। इस तरीके से हमारे आगे के नंबर जो होते हैं कंटिन्यू इस तरीके से मल्टीपल होते हुए चले आते हैं। फिर अगला जो नंबर होता है ये होता है 1000 का, 10000, ठीक है, ये 10000 का मल्टीपल होता है। तो हमें ध्यान किसका रखना है, डेसिमल के बाद में पहला जो नंबर होगा वो 10th place का होगा, अगला नंबर होगा वो 100th place का होगा, यानी 1/100, उसके बाद का नंबर जो होगा वो होगा 1/1000 place। अगर जो भी नंबर होगा, 6 है तो 6/1000, 5 है तो 5/1000 होगा। इनको ध्यान में रखते हुए हम इन सभी की एक टेबल बनाएंगे और टेबल में उन सबको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी टेबल को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। वंस, वंस के बाद कौन होता है टेंथ, फिर 100, और ऐसे ही डेसिमल के बाद में पहला जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10th, फिर 100। देखो जरा, डेसिमल के बाद का पहला नंबर 10th, उसके बाद में 100, डेसिमल से पहला नंबर जो होता है यानी कि लेफ्ट साइड में वो वंस, फिर टेंथ, फिर 100, ठीक है। आपको क्या रखना है, जो डेसिमल होते हैं उधर 10th वाले होते हैं 10th, 100, 1000, डेसिमल के बाद वाले वंस, टेंथ, 100, इस तरीके से होंगे, यानी लेफ्ट और राइट, इस तरीके से आपको समझना है, क्लियर। तो देखो, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है पहला डिजिट वो होता है 10th place का, तो 10th place में हमारा कितना दे रखा, 4 दे रखा है। 10th डेसिमल के लेफ्ट साइड में हमारा जो पहला नंबर होता है वंस, फिर ये दे रखा हमें टेंथ दे रखा। तो स्टूडेंट, अगला पार्ट देखो हमारा, डेसिमल के बाद में कौन दे रखा है, 10th place है, तो इसको यहाँ रख देंगे हम, और आगे 1st place है, इसको यहाँ रख देंगे। डेसिमल के बाद 10th place है, यहाँ जाएगा। डेसिमल के बाद में लेफ्ट में होता हमारा 1st place, ये हमारा 10th place। डेसिमल के बाद में पहला नंबर जो होता हमारा ये कौन होता है, 10th place, फिर आता है हमारा वंस, फिर आता है टेंथ, फिर आता है 100। अब जो भी बॉक्सेज यहाँ पे खाली रह गए वहाँ पर आप क्या फिल कर दो, 0 0 फिल कर दो, क्लियर। इस तरीके से मैंने इसको टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया है, क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, इनको डेसिमल में लिखना है। तो मैंने 7 लिखा, देखो यहाँ लिखा 10th, 10th का मतलब होता है 1/10, 7 1 7, नीचे 0, 1 0 है, डेसिमल एक नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.7।
आगे जीरो लगाना तो लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर याद रखा टू टेंस, टू लिखा, टेंस का मतलब टेन, बीच में निशान है तो मल्टीप्लाई, एंड का मतलब प्लस हो जाएगा। फिर लिख रखा है नाइन टेंथ, टेंथ का मतलब होता है वन बाय टेन, तो टू टेन जा ट्वेंटी, नाइन वन जा नाइन बाय टेन, ट्वेंटी, देखो एक जीरो है, डेसिमल एक नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट नाइन, दोनों को प्लस करना है। प्लस करने का तरीका, इसमें डेसिमल नहीं है आखिरी मान लेंगे, पॉइंट नाइन, दोनों को प्लस करेंगे, नाइन पॉइंट जीरो टू, आंसर हो जाएगा ट्वेंटी पॉइंट नाइन। क्लियर। इसी तरीके से यानी क्या लिखा है, फोर्टीन पॉइंट सिक्स, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ देखो क्या लिखा, वन हंड्रेड, यानी कि वन हंड्रेड हो गया, एंड का मतलब प्लस होगा, टू वंस, वंस का मतलब इंटू में टू होगा, ठीक है, तो हंड्रेड वन जा हंड्रेड, टू वन जा टू, दोनों को प्लस किया, वन हंड्रेड टू आ गया। अगला क्या लिखा, सिक्स हंड्रेड लिख दिया, फिर पॉइंट है पॉइंट लगा दिया, एट है एट लिख दिया। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।